प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट से रिलेटेड। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन सेटेलाइट इज लॉन्च एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटर वेलोसिटी। अब अगर हम इससे डाटा कलेक्ट करें कि इस स्टेटमेंट से हमें क्या चीज़ें हमने निकालनी है और क्या चीज़ें हमें गिवन है, उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमें गिवन ये है कि हमारे पास एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, यानी कि जो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, उसको हमने लॉन्च किया है एट अ हाइट ऑफ 42,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि अर्थ की जो सरफेस है, अगर मैं यहाँ हम इसके मुताबिक जो है वो एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की ये हमारे पास एक अर्थ है। ठीक है, हमने अर्थ ड्रॉ कर लिया और उससे मैंने एक सेटेलाइट जो है वो लॉन्च किए इधर से इसके, ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेटेलाइट है। ठीक है, ये मेरे पास एक सेटेलाइट होगी जो कि हमने अर्थ की सरफेस से जो है लॉन्च की है, और इसकी जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की सरफेस से जो इसकी हाइट है जिसे हम एल्टीट्यूड का नाम देते हैं एच इज इक्वल टू, वो हमारे पास है 42,000 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास इसकी जो है वो हमें एल्टीट्यूड मालूम हो गया, यानी कि यहाँ मैं डाटा में लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो हाइट गिवन है एच इज इक्वल टू हमारे पास 40,000 किलोमीटर है। अच्छा अब अर्थ की क्योंकि उसने बात की है, तो अर्थ के बारे में जो हमें मालूम जो कि हमारे मतलब बहुत कॉमन जो हम यूज़ करते हैं ये वैल्यूज़, वो हमारे पास एक तो उसका रेडियस आ जाता है, जैसे अगर मैं कैपिटल आर से डिनोट करूँ, आप स्मॉल आर भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से नोटेशन यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आर जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास 6400 किलोमीटर हमारे पास इसका रेडियस है, यानी कि रेडियस को अगर मैं ड्रॉ करूँ ब्लैक कलर से ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये अगर इसका सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से डिनोट किया जाएगा, जो कि हमें मालूम है कि वो 6400 किलोमीटर होता है। अच्छा फिर उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि हमारे पास और हमें मास ऑफ द अर्थ भी मालूम है, यानी कि एम ई जो है जो कि मास ऑफ द अर्थ कहलाता है, वो हमारे पास कितना है, हमारे पास वो होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 6 × 10⁴ kg। ठीक है, ये हमारे पास नोन वैल्यूज हैं जो कि हमें मालूम है। अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना, ऑर्बिटर वेलोसिटी। ऑर्बिटर वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हमने जिस तरह से टॉपिक में भी डिस्कस किया था मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट के जरिए, उसमें हमने इसको वी नॉट से डिनोट किया था और उसकी वैल्यू जो है वो हमने इस मतलब कि कैलकुलेट करनी है इस प्रॉब्लम में। अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं, यानी कि एच की वैल्यू भी हमें किलोमीटर में गिवन है और आर की वैल्यू भी हमें किलोमीटर में मालूम है, तो हम क्या करेंगे इनकी कन्वर्जन्स कर लेंगे इन मीटर्स। ठीक है, और वो हमारे पास कितनी होगी, 42,000 है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 10³, यानी कि केजी जो है, यानी कि आप जानते हैं कि 1 kg जो है, 1 किलोमीटर जो है वहाँ पास किसके बराबर होता है, 1000 meters के बराबर होता है, तो ये हमारे पास मीटर्स में वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह 6400 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10³ से, तो हमारे पास मीटर्स में आ जाएगा आंसर। और मास जो है ऑलरेडी हमें केजी में नोन है, तो हमने वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वी नॉट का जो फॉर्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स, यानी कि सोल्यूशन की तरफ मैं आती हूँ, तो हम देखते हैं कि वी नॉट की वैल्यू जो है, वी नॉट का फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या आता है, अंडर द रूट जी एच और ब्रैकेट है इनटू आर प्लस एच। ठीक है, ये हमारे पास वी नॉट का फॉर्मूला है। अब अगर देखें हम, अगर इसमें तो हमें जी एच की वैल्यू नहीं नोन और हमें आर कैपिटल आर नोन है और एच की वैल्यू भी हमें नोन है। अब जी एच जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, जी एच क्या है, यानी कि हमारे पास जी एच जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बेसिकली है एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है एट हाइट एच, यानी कि एल्टीट्यूड एच पे, यानी कि इस जगह पे हमारे पास जी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स। हम जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम अर्थ की ही बात करें, तो हमारे पास जो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एसेलरेशन होती है जिसके जरिए वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है। और हम ये जानते हैं कि एक खास इलाके तक जो है ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये एक्ट कर रही होती है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है सेंटर, मतलब कि हमारी जो सरफेस है उस पर हम अगर उसकी वैल्यू देखें, तो हमारे पास यानी कि सी लेवल पर अगर हम उसकी वैल्यू देखें, तो हमारे पास कितनी होती है, 9.8 meters per second square। ठीक है, और जैसे जैसे हम हाइट यानी कि एल्टीट्यूड यानी कि ऊपर की तरफ
जाते जाते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जाती है, जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जाती है विद एल्टीट्यूड, यानी कि जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उसकी वैल्यू कम से कम होती जाती है। और जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम स्पेस में चले जाते हैं जहाँ हमारे पास कोई हवा नहीं होती, जहाँ अर्थ के उस हॉल से बाहर निकल जाते हैं, तो वहाँ उसकी वैल्यू निल हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक, अगर हम देखें कि अब इस एल्टीट्यूड पर, यानी कि जो उसने हमें जहाँ सेटेलाइट हमारे पास हम लॉन्च कर रहे हैं जहाँ सेटेलाइट, तो वो 42,000 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ है, यानी कि उस पॉइंट पे उसकी जी की वैल्यू क्या होगी वो हमें नोन नहीं है, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और उसके लिए भी हम जो है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि हम जी की वैल्यू एट एल्टीट्यूड जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो हमारे पास क्या है, जी एच इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिख देती हूँ, जी एच इज इक्वल्स टू जो हमने इसका फॉर्मूला देखा था वो हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिख भी लेते हैं, कैपिटल जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स। अब इसमें जी जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में हमने पढ़ा था। अब इसमें वैल्यूज हम इनपुट करते हैं ताकि हमें जी एच की वैल्यू मालूम हो जाए। तो जी की वैल्यू जो है 6.67 × 10⁻⁻¹ है और मास ऑफ द जो हमारे पास अर्थ है वो हमारे पास कितनी है, 6 × 10⁻²⁴ kg है। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड करना है आर प्लस एच से, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को मैं एडअप करने जा रही हूँ, 42 × 10³ प्लस आप क्या करेंगे 6400 × 10³ और इस सारे को एडअप करने करके आपने इसका स्क्वेयर ले लेना है। ठीक है, तो इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर तो आपके पास जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो आ रही है 0.17083 ठीक है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जी एच की वैल्यू हमने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर ली। अब अगर हम देखेंगे हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी उसमें सारी वैल्यूज अब हमें नोन हो गए। ठीक है, यानी कि जी एच की वैल्यू भी नोन है और आर प्लस एच की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन थी, तो अब हम सिंपली जो है इसमें वैल्यूज को जो है वो इनपुट करेंगे, यानी कि वी नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट। ठीक है, अंडर द रूट आपने क्या करना है 0.17083 और इसको आपने इसके अंदर R की वैल्यू जो है आपने डाल देनी है जो कि हमारे पास क्या है 42, R की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट 6400। ठीक है, 6400 × 10³ प्लस आपने क्या करना है 42,000 × 10³, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि वी नॉट इज इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है 28,2876 मीटर्स पर सेकेंड। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास वी नॉट की वैल्यू जो कि हमने कैलकुलेट कर ली है। और आप इसके लिए जो है ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो, यानी कि ये मेरे पास वो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई है स्टूडेंट्स जिसके जरिए जो हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की थी 42,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास कुछ ये होगी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जिस तरह से मैं फिगर पे वापस आती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि जो हमारी सेटेलाइट है वो ये वाला ऑर्बिट फॉलो कर रही है, यानी कि वो पाथ जिसको जिसके ऊपर वो मूव कर रही है एक अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस के अराउंड जो अपना वो पाथ फॉलो कर रही है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, और ऑर्बिट में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हम वी नॉट से डिनोट करते हैं जो कि इस केस में हमने निकाली है जो कि हमारे पास कितनी आई स्टूडेंट्स 2876 मीटर्स पर सेकेंड।